नमस्कार इनव्यू के इस अगले वीडियो में आप सभी लोगों का मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो मुंबई से हमारे बीच में आज यहां जबलपुर में पधारे हुए हैं। हम इनका इंट्रोडक्शन दें उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि ये देश के पहले ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट है। सोया लुबो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जबलपुर शहर में, संस्कारधानी में। और मौका दिया आज आपके इस न्यूज माध्यम से लोगों तक संवाद साधने का, जी जी जी, एक बातचीत रखने की, उन तक का एक मेरा मैसेज उन तक पहुंचाने का, या वो जबलपुर के स्थानिक लोग हैं या एमपी के मेरे किन्नर समाज के बहन हैं या जबलपुर के मेरे किन्नर समाज के लोग हैं, उन तक एक संदेश पहुंचाने का मौका दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। या तो कैसे आपका भी मतलब कैसा रहा जबलपुर का भी जब से आप आए हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सिटी है, शांत सिटी है, बहुत इधर के लोगों का जो बिहेवियर देखा मैंने बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग बिहेवियर है उनका। एंड जबलपुर आना ये ऐसा था कि मुझे कॉल आया था, इत्यादि के जो वॉलेंटियर है शोभित जैन, इनके तरफ से कॉल आया था कि जोया जी हम एक इत्यादि बोल के एक म्यूज़िक आर्ट लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं जहाँ पे हम आपके बारे में बात रखेंगे, हम आपको फेलिसिटेट करेंगे एंड ऑल। और मैंने वो, मुझे मालूम नहीं था वो क्या पल था, क्या क्षण था, वो मुझे वो क्या चीज़ ने राजी किया, और मैंने तुरंत उनको कह दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ, मुझे कब आना है मुझे बता दो कि क्या उसकी क्राइटेरियाज है, मुझे बता देना मैं आ रही हूँ। और मुझे इतनी उत्सुकता थी कि मैं कब जा रही हूँ, वो कब मेरी, क्योंकि मेरी टिकट 15 तारीख की थी, 15 को इवनिंग में मतलब मैं ट्रेन में बैठ के 16 को आफ्टरनून में यहाँ पहुँचने वाली थी। सो मेरे को वो बहुत ये था कि मैं कब पहुंच रही हूँ यहाँ पे ऐसा। तो जैसे यहाँ आई, मैंने देखा, मुझे पिकअप किया गया स्टेशन पे, एमटी स्टेशन से यहाँ ले आया गया, मैंने देखा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा। विनय अंबर सर से मिली, सुप्रिया मैम से मिली और बाकी अन्य जो कलाकार बच्चे हैं उनसे मिली, उनका काम देखा, बहुत अच्छा लगा उनका काम देख के, उनसे घुल मिल गई इतने दिनों में, उनसे बातचीत हुई। जी इसमें एक मैं आपसे जानकारी ये चाहता हूँ कि आज आपने एक कंडीशन पे अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है, लोग आपको देश में जान रहे हैं, जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी? नहीं। ये कहीं से इतना आसान लगता नहीं है का, हम आज देख रहे हैं तो हमें दिख रहा होगा आसान, लेकिन ये है नहीं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें स्टार्टिंग से बताइए, पारिवारिक माहौल से लेके, परिवार से लेके। और फैमिली में तो मेरे मॉम डैड नहीं है फिलहाल, जी बहन है, बहन की शादी हो चुकी है। मुझे, मैं 11 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं कुछ अलग और डिफरेंट हूँ, मैं अन्य बच्चों से अलग हूँ। उस उम्र से लेके मेरी 18 साल की उम्र तक मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखा। 18 के उम्र में मैंने अपने आप को प्रॉपरली बाहर लाया, जहाँ पे मुझे एक ट्रांसजेंडर मिले जिनसे मेरा परिचय हुआ, दोस्ती हुई, जिन्होंने मुझे बहुत शुरुआत में ही पहचान लिया था, बट उनका ऐसा कहना था कि मैं वो सच को तेरे से जानना चाहती थी। क्योंकि होता है ना कि जब तक हम इंसान की ओपिनियन नहीं जानते, हम उस पर कोई बात लगा नहीं बात सकते, नहीं कर सकते। सही बात है। क्योंकि कल को वो तुम्हारे पे मतलब गुस्सा भी हो सकता है कि आपने ये कैसे कमेंट कर दिया, मैं वो हूँ नहीं। तो जब मैंने उन्हें कमेंट किया कि दैट आई ऑल्सो बिलोंग टू द कम्युनिटी सोसाइटी, तब उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया सोसाइटी में, ट्रांस कम्युनिटी में, और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो पीरियड बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड भी था और ओके पीरियड भी था, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड में इस तरह से कहूंगी, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जल्दी सोसाइटी में जॉब नहीं मिलते ना, हमारी सोसाइटी उन्हें प्रॉपरली एक्सेप्ट करती है। तो कई जगहों पे जब हम मांगने भी जाते थे रुपए 2 रुपए, तो हमें बहुत धिक्कार आ जाता था, हड़ तुड़ किया भी जाता था, बहुत मतलब इंसल्ट किया जाता था, अब्यूज किया जाता था। और एक क्षण ऐसा भी आया मेरे साथ में, मैं बताना चाहूँगी कि मुंबई में जब मैं लोकल ट्रेन्स में मांगने बैठी थी, एक पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसने मुझे कुछ गलत पूछ लिया था, जैसे कि वो सोचा था कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, उसने मेरे को गलत इंटेंशन से देखा। एंड मैंने जब उससे आर्ग्यूमेंट किया उस बात को लेके, तो उसने मेरे साथ अब्यूजिव तरह से पेश आया, मुझे रात भर ले जाके चौकी में मार पीट के, मेरे साथ हाला एक लड़का भी था, वो बेचारा निर्दोष लड़का, उसको मालूम नहीं, उसे भी उठाया गया था, हम दोनों को रात भर चौकी में मारा, नेकेड करके, यानी कपड़े उतार के निर्वस्त्र करके हमें मारा पीटा गया, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। और उसके बाद मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए मैंने उम्मीद तोड़ दी थी कि क्या मैं फिर से मुंबई लोकल ट्रेन पे जा पाऊंगी। तो
पर फिर से वो कहां से, तो क्या दिव्य शक्ति थी जिसने मेरे में वो हिम्मत जगाई और मैं फिर से उठ के मुंबई लोकल ट्रेन में मंगना चालू की। चालू तो था मांगना, मंग तो रही थी। एंड उसके बाद मांगते मांगते एक वक्त ऐसा भी आया कि जहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। वीडियो इसमें जाना कब हुआ आपका, इस बीच में मुंबई का सफर जो था आपने बताया? हाँ। मुंबई आप बेसिकली जिस जगह से बिलोंग करते हैं आप? मैं मुंबई से ही, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही है। हाँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ। मुंबई से ही मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हुई है जी। वैसा तो ये इंसिडेंट होने के बाद फिर लोकल ट्रेन की जर्नी तो स्टार्ट हो गई अच्छे से, मतलब दूसरे रूट में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि जो रूट में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था मैं उसे भुला के फिर से दूसरे रूट में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की लोकल ट्रेन में कलेक्शन की। एंड उसके बाद वक्त आया जहाँ पे मैंने यूट्यूब पे बोलते ना, जैसे हम फ्री बैठे हैं, चलो अभी मेरे गाड़ी के लिए 15 से 20 मिनट टाइम है, आज मेरी गाड़ी लेट है, थोड़ा देर बैठते हैं, चिल करते हैं, रेलवे का फ्री वाईफाई है, यूज करते हैं, देख रहे थे। एक शॉर्ट फिल्म मेरे नजर आती है, जैसे मैं स्क्रॉल करते जाती हूँ, हिजड़ा शराबिया वरदान, यानी हम किन्नर जो है इस समाज के लिए, जैसे इन्हें हिजड़ा कहा गया, ये हिजड़ा थोड़ा अब्यूजिव वर्ड हो जाता है, तो इन्हें पूछना था आपसे कि ये जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं ये बहुत फारसी वर्ड है, फारसी टाइम का वर्ड है, बट किन्नर भी ये एक फारसी वर्ड ही है जो प्रॉपर वर्ड है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, जो सोच जिस तरह से ये जाती है, ये एक तरह से नेगेटिव हम कह सकते हैं कि हम किसी को अब्यूज करने के लिए अगर क्यों ये वर्ड यूज करते हैं, मैं इस चीज के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। ये जब इंसान बहुत स्ट्रेस होता है या गुस्से में होता है, किचकिच हो जाती है, तब वो अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, तब ये वर्ड भी आ जाता है, तब ऐसा लगता है कि हमें भी कहीं पे एकदम वो वर्ड आपको अलग से, मतलब आपको समाज से क्या अलग अलग ही रखता है, फील करता है, अलग रखता है, बहुत अपमानित फील करता है हिजड़ा, ये वर्ड बहुत अपमानित फील कराता है, तो इसके लिए प्रॉपर वर्ड निकाला गया है किन्नर, और इंग्लिश में इसको ट्रांसजेंडर बोला जाता है, वैसा हिंदी में किन्नर बोला जाता है, तो इंग्लिश में इसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं, मराठी में इसे तृतीय पंथी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चल रही थी लाइफ लोकल ट्रेन की। एजुकेशन भी साथ में था? एजुकेशन मैंने 5th तक पढ़ाई की। अच्छा, है एजुकेशन मैंने बहुत पहले किया कर दिया था। एंड चल तो रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, शॉर्ट फिल्म देखी मैंने, तो पार्ट वन देखा। पार्ट वन में ऐसा मैंने देखा कि यहाँ पे किन्नरों को ही रोल देना चाहिए था, ना कि कोई बॉयज को किन्नरों की तरह ड्रेसअप करा के उनको रोल देना चाहिए था। तो वो शॉर्ट फिल्म का पार्ट टू आया जहाँ पे उन्होंने मुझे भी कास्ट किया, बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी कास्ट किया उन्होंने। एंड वो शॉर्ट फिल्म को कुछ अच्छे खासे व्यूज भी मिले, 6.2 मिलियन व्यूज मिले उसे, और अच्छे से चली फिल्म। वहाँ पे एक संपादक से मेरी पहचान हुई। अच्छा। जिन्होंने मुझे एज ए जर्नलिस्ट बोल के अपॉइंट किया उनके न्यूज़पेपर के लिए, और उन्होंने उस स्पार्क देके मेरे में, और फिर उसके फोटोग्राफी का आप जिसमें फोटोग्राफी का इसमें ऐसा किस्सा आया कि जब मैंने ऑफिस में पहली दफा मेरे ब्यूरो में मैंने कैमरा देखा, तो मैंने मेरे सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे एक दिन के लिए कैमरा दोगे, तो उन्होंने दे तो दिया, थोड़ी झिझक हुई पर दिया उन्होंने कैमरा, तो मैं समझ गई थी कि कोई अपनी चीज इतनी जल्दी किसी को देना नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत कॉस्टली है। तो मैंने लिया, शूट करके मैंने रिटर्न तो कर दिया उन्हें। एंड उसके बाद एक जगह पे मैंने एक इंसिडेंट देखा था जो मैंने मोबाइल से कैप्चर किया, तो वो इंसिडेंट को मेरे को ऑफिस पहुंचाने तक बहुत टाइम हो चुका था, तो ऑफिस भी लंबा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे खुद के पास खुद का कैमरा होना जरूरी है। तो मैंने ट्रेन्स में, कभी दुकानों में, कभी त्योहारों में जो पैसे मांग के जमा किए थे, उन पैसों से मैंने अपना खुद का कैमरा। आपको ऐसा कभी लगता था कि आप पर्टिकुलर है फोटोग्राफी के लिए, आपका कोई पैशन है, या फिर आप सिर्फ काम ढूंढ रहे थे, आपको काम मिल गया तो आपने काम कर लिया, आप काम ढूंढ रहे थे, ऐसा कुछ? कैसा है कि फोटोग्राफी पसंद थी, क्लिक करना था, कुछ अलग फोटो निकाल के लोगों तक दिखाना था, कुछ अलग वेरिएंट दिखाना था, वेरिएंट यानी कुछ अलग तरीके की चीज दिखानी थी लोगों को, तो कर रहे थे, करते करते फिर इस तरफ मुड़े। कैसे, मैंने जैसे बताया कि मैं उस जर्नलिज्म में तो एंट्री कर चुकी थी, आई कार्ड होल्डर थी, तो एक टाइम हमारे ट्रांस कम्युनिटी की रैली हो रही थी, वो रैली को मैंने कैप्चर किया। वहाँ पे कई सीनियर फोटोग्राफर्स से मैं मिली जो फोटो जर्नलिस्ट है, सो उनसे मिलने के बाद मेरे को पता चला कि कैमरा को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको ये करना है आगे, मतलब इसमें काम करना है, जर्नलिज्म में काम करना है, फोटो जर्नलिज्म में। तो मैंने एक टाइम लॉकडाउन से पहले मैंने बेसिक जर्नलिज्म का कोर्स भी किया,
और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जर्नलिज्म क्या है, कैसा है, कैसे करना है, एंड मैं अगर कोई फोटोज ले रही हूँ तो वो फोटो में स्टोरी क्या होनी चाहिए। कितना समय हो गया आपको? मेरे को 1.5 ईयर हो गया। 1.5 ईयर तो 1.5 ईयर में आपके पास, मतलब अभी इतना आप इसमें प्रचलित हो चुके हैं और कंटिन्यू आपका जो काम चल रहा है, मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर जॉब को लेके या इस पर्टिकुलर पैशन को लेके जैसे एक कोई मोटिवेशनल आपके पीछे हो, आप किसको अपना मोटिवेशन मान के काम कर रहे थे कि 1.5 ईयर में आप जो है इतने आगे इसमें निकल के आ रहे? मैं पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट जो करते हैं और जो मेरे रोल मॉडल एंड मेरे आइडल है वो है रवीश कुमार जी। अच्छा। जो NDTV इंडिया के रिपोर्टर है, एंकर है, न्यूज एंकर मैं कह सकती हूँ, उनकी और भी बड़ी पोस्ट है, मैं उतना नहीं जानती हूँ, बट मैं जितना जानती हूँ मैंने बताई, मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनसे प्रेरणा मिलती है क्योंकि उनमें मैंने ये खूबी देखी कि वो हमेशा न्यूज़ माध्यम से सैटेलाइट टीवी के जरिए वो रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और मैं उसी को देखते हुए चलती हूँ कि मेरे फोटो में भी वो रियलिटी लोगों को दिखे, मैं रियल चीज़ लोगों को दिखा सकूँ, मैं रियल में जो घटना हुई है ह्यूमन प्रजाति पे यानी इंसानियत पे क्या घटना हो रही है, उन पे क्या हिंसा हो रही है, उसको दिखाने की कोशिश करो। आपने इस माध्यम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है हमारी, उनके लिए भी कुछ प्रयास किए हैं, उनके लिए भी कुछ आपने दिखाने की कोशिश की है? उनके लिए अभी देखिए जैसे कि मेरा इस फील्ड में स्लो कदम आगे बढ़ रहा है, इनकेस मेरे इस फील्ड में और आगे कदम बढ़ते हैं, मजबूत वाले कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर मैं मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी कुछ अच्छा सोचूंगी, उनके जो कुछ विचार है या उनके कुछ मैसेजेस है जो आगे अन्य बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे माध्यम से तो मैं पहुंचाने की कोशिश करूँ, जहाँ पे उन्हें एक लेटर एक जगह पहुँचाने में 10 दिन लग जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं पर वो लेटर पहुँचता नहीं है, शायद उनमें वो उम्मीद जगे कि नहीं ये हमारे सोसाइटी से ये हमारे लिए कुछ कर सकती है, तो मैं वो लेटर उनका आगे तक पहुंचाने की कोशिश। मेरे एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, लगभग 6 सितंबर 2018 का दिन था जब कानूनन रूप से थर्ड जेंडर को भी एक संवैधानिक रूप से उनको भी दर्जा दिया गया, उनको भी शामिल किया गया। देखिए कागजों में मिल गया है, क्या धरातल पे वो दिख रहा है आपको? मैं तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि अभी तक दिल्ली में खाली एक मेट्रो रेलवे स्टेशन पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मेट्रो में टॉयलेट बनाया गया है, पर अभी तक बाकी जगहों पे मुझे वो चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। तो आज भी हमें जब वॉशरूम यूज़ करना होता है तो हमें थोड़ी हेजिटेशन होती है या हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हम अगर वॉशरूम के अंदर है, कभी कोई स्त्री ने आके दरवाज़ा ठोक दिया और हमारी आवाज़ थोड़ी सी बोल्ड है तो वहाँ पे कहीं इशू ना हो जाए, वो सोचेंगे कि महिला टॉयलेट में कोई पुरुष है, बट वो बाहर आने के बाद उन्हें पता चलेगा अरे ये तो कोई हमारा किन्नर है करके, वैसा तो इसमें इशू होते हैं। तो वहाँ पे कहीं गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए, कुछ विधायकों ने ऐसे कदम लेने चाहिए जहाँ पे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, चलो महिलाओं में नहीं देना है तो मत दीजिए, हमें हैंडीकैप टॉयलेट में एक स्थान दे दीजिए जहाँ हैंडीकैप का पोस्टर है उसी के बाजू में स्लैश मार के आप ट्रांसजेंडर के लिए भी, थर्ड जेंडर के लिए भी बना दीजिए, तो उससे बहुत हमारे लिए आसानी होगी। जी हाँ जी हाँ। खाली आपने हमें समाज में एक स्पेस तो दिए है बट रियलिटी में हम उसे कैसे जिएंगे? जी हाँ जी हाँ। इसमें एक आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, आपने हरेसमेंट की बात की थोड़ी देर पहले, हरेसमेंट हुआ है और उसके बाद भी आप कंटिन्यू अपने काम पे रहे, आपने कई सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है जहां तक मेरी जानकारी में है, सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है, एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, इंडस्ट्री के अंदर का भी कुछ एक्सपीरियंस मिला आपको, अच्छा बुरा जो था? सेलिब्रिटीज के साथ मैंने मेरा फर्स्ट काम किया है जो है कैटरीना कैफ, जो कि फिलहाल चर्चित है बहुत, कैटरीना कैफ जी के साथ, उनका के ब्यूटी बोल के ब्रांड है, के बाय कैटरीना, ये उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने मुझे मेरा आईडी देखा था इंस्टाग्राम पे एंड गूगल पे, मुझे सर्च गूगल पे उन्होंने मेरा आर्टिकल पढ़ा एंड इंस्टाग्राम पे वो मुझे सर्च कर रहे थे, हालांकि बहुत जोया आने की वजह से मेरी आईडी उन्हें मिल नहीं पाई, तो उन्होंने उनके टीम से कांटेक्ट किया और उनकी टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया, तब मुझे उतना विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में मेरे से, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, सब डन हुआ और मुझे सेट पर बुलाया गया, सेट पर फिर हमारा एक कोलैबोरेशन शूट हुआ
और मुझे फर्स्ट टाइम एज अ फेस मॉडल के ब्यूटी के लिए असाइन किया गया था, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ फेस मॉडल बोल के कोई ब्रांड के साथ, कोई प्रोडक्ट के साथ मैंने काम किया वैसा। तो मतलब इंडस्ट्री के साथ आपके जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छे हैं। हाँ। इसमें मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि एक स्ट्रगल पीरियड होता है, मैं अब आपको एज अ ट्रांसजेंडर नहीं देख रहा हूँ, बात समझिएगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो एक तरीके से मोटिवेशनल वीडियो के रूप में भी अगर उसको देख रहा है, तो कैसे फेस कर सकता है वो अपने सबसे खराब पीरियड को भी। मैं इतना ही कहूँगी कि आपके साथ पास्ट में जो बीत गया है उसे माइंड में से टोटली फ्लश कर दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, पीछे पलट के मत देखना कभी, क्योंकि आप पीछे पलटोगे तो आपको पीछे हमेशा आपका पास्ट दिखेगा और आप उस पास्ट को देख के हमेशा नर्वस होते रहोगे। तो आपको पीछे उठ के उस पास्ट को नहीं देखना है, नई सुबह के तरह आँख खोल के नई उम्मीद लेके आपको आगे बढ़ना है। मुंबई शहर, जबलपुर शहर या मुंबई शहर, दिल्ली शहर या देश के अन्य छोटे शहर, आप सभी जगह इस समय घूम रहे हैं, फर्क क्या दिखाई दे रहे हैं इन सब शहरों में, खासकर उस नजरिए का, जो नजरिए के बारे में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं अभी। फिलहाल तो मैं मुंबई में मैंने देखा है काफी नॉर्मल सा है, चलो ट्रांस कम्युनिटी को लेके नॉर्मल बात है, बट जबलपुर में एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफी लोगों से मिली, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, समझ के लिया, यहाँ पे कहीं ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ या लोगों ने कहीं ऐसा मेरे से ये किया, अच्छा लगा मुझे मुंबई के जबलपुर। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहते हैं हम, और ये भी चाहते हैं हम कि आप एक बार जो है अपनी तरफ से कुछ सोशल एक मैसेज जरूर दे के, क्योंकि उस मैसेज के साथ जो है ना आपका जो हम जितनी जगह कन्वे हो पाएगा कहीं ना कहीं उस चीज। मैं जबलपुर की जनता को और MP की जनता को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे किन्नरों ने पास्ट में बहुत कुछ तकलीफ सही है, उन्होंने यहाँ तक अभी भी किन्नर हमारे भीख मांग रहे हैं, और आज वो भीख मांग रहे हैं तो इसका कारण ये सोसाइटी है, ये समाज है, क्योंकि आपने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जब उन्हें उस स्थान की ज़रूरत थी, वो मौका नहीं दिया ना उन्हें समझ के लिए। आज आप अगर उन्हें वो स्थान देते, वो मौका देते, उन्हें समझ के लेते, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देते, तो वो आज पढ़ लिख के एक ऐसे पोस्ट पे रहते, एक ऐसी ऊंचाई पे रहते कि आपको गर्व महसूस कराते। आज मैं मुंबई से हूँ तो आज मैं होपफुली मैं मेरे मुंबई का नाम कहीं पे रोशन कर रही हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं LGBTQI कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरे शहर वालों को, सिटी वालों को भी लगता है कि नहीं हमारे शहर से ये बंदी है। तो मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके शहर में भी ऐसे अनमोल रतन, ऐसे हीरे छुपे हुए हैं, आप उनको भले फाइनेंशियली आप उन्हें नहीं कर पाओगे सपोर्ट, बट इमोशनली आप मॉरल सपोर्ट इतना दीजिए उन्हें कि उनमें वो हिम्मत जगे कि वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं और आपके जबलपुर शहर का नाम रोशन कर सके। देश में आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बाहर का भी आपका भविष्य में क्या प्लान है आपका, अपनी LGBT कम्युनिटी के लिए भी और प्लस अपने खुद के वर्किंग के लिए भी क्या? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए सोचूंगी कि इंडिया में नहीं पर आउट ऑफ कंट्री भी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ निकले, कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनली हेल्प आए ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो उन पे काम करे आके मुंबई में, जो ट्रांसजेंडर्स पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कुछ घरेलू व्यवसाय स्टार्ट हो जाए जिन पे उन्हें हफ्ते की रोज़ी मिल सके, या जो पढ़े लिखे हैं जिनकी जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन्हें एक एजुकेशन में ट्रेन किया जाए एक जॉब स्किल के लिए। जैसे आज मैं भले से 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ बट इंग्लिश में मेरा थोड़ा बहुत अच्छा कमांड है, तो आज मैं कैमरा को ऑपरेट कर पा रही हूँ। ऐसे ही कई और ट्रांसजेंडर भी है जो DSLR कैमरा ही नहीं, वीडियोग्राफी कैमरा हो गया और कई अन्य गैजेट्स है उसे ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें भी एक बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, उनके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जोया जी, आप हमारे साथ हमें समय दिया आपने, काफ़ी अच्छे तरह से आपने अपनी बातों को समझाया है, और हम कोशिश करते हैं कि जो सुन रहे हैं आपको उन तक ये बात पहुँचे, और जो आपने अपने साथ पिछले आपका जो पास्ट रहा है उसमें जो भी देखा है उससे आप और ज़्यादा मजबूत हों और ज़्यादा आगे बढ़ें, हम इसका चीज़ की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद।